नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ साधना सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नीलेश हत्याकांड के फरार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, वही हत्या मृतक का मामा भी था शामिल। लुचकी तालाब के किनारे के युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, आत्महत्या या हत्या, पुलिस कर रही जांच। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर महिला मोर्चा कार्यकर्ता बिलासपुर रवाना होकर महतारी हुंकार रैली में हुई शामिल। सीनियर गर्ल्स कॉलेज खो खो नेशनल ट्रायल का आयोजन किया गया, जिसमें 30 खिलाड़ियों को 7 दिवसीय स्तर को कैंप दिया गया। अब खबरें विस्तार से। भिलाई के म्यूजिशियन नीलेश डाहिरे हत्याकांड में फरार 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी ने नीलेश के शव को ठिकाने लगाने का प्रयास किया था। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया है, जिसमें मृतक का मामा भी शामिल है। अब तक इस मामले के सभी 9 आरोपियों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। गुमनशन कायम किया था स्मृति नगर चौकी में दिनांक 17/10 पिछले महीने की। उसके बाद नीलेश डहरे करके नाम था लड़के का, स्मृति नगर एरिया में रेंट पे रहता था वो। गुमनशन कायम होने के बाद पे लगातार उसकी पता तलाश की जा रही थी। पता तलाश के दौरान पे कुछ जो CDRs वगैरह थे और जो कुछ चीज़ें और मिली थी अपने को, जिससे संदेह जाहिर किया गया था कि कुछ इसके साथ अप्रिय घटना हुई होगी। पता करने के बाद पे जो पूरा मामला है सिमगा एरिया से कनेक्टेड मिला, और सिमगा एरिया में जो गुमनशन था उसका मर्डर होने के बारे में पता चला, जिसके संदेह पर हमने 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया था, जिन्होंने अपने में सारा कुछ कबूल करते हुए बताया था कि बॉडी के कई पार्ट्स करके 4 अलग अलग बोरों में बॉडी को डिस्पोज किया गया है, जिसके आरोपियों की निशानदेही पर एक बोरा जो बॉडी धड़ का जो पार्ट है उसको रिकवर कर लिया गया था। अब तक के जो जांच में 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने पे पुलिस को सफलता मिली थी। इसके बाद लगातार जो 3-4 आरोपी मामले के फरार थे उनके बारे में पता तलाश किया जा रहा था, फरार चल रहे थे, जिसमें से 3 आरोपी हरीश निषाद उर्फ राजा, अभिषेक इक्का और अभिषेक जंगेल, इन तीनों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। जो फरार आरोपी हरीश निषाद है, राजा जो है वो काफ़ी बदमाश किस्म का है। इसके निशानदेही पर जो मृतक का जो मोबाइल था जो अब तक प्राप्त नहीं हुआ था, वो मोबाइल को भी कुएं के अंदर से पुलिस ने बरामद करने पे सफलता प्राप्त कर ली है। साथ में जो घटना में प्रयुक्त हथियार, जो टंगिया वगैरह था और जो साक्ष्य छिपाने के लिए कपड़े वगैरह छिपा दिए थे अपने, वो सब कुछ बरामद कर लिया गया है। तीनों आरोपियों को संबंधित धाराओं में गिरफ्तार कर मानने प्रस्तुत किया जा रहा है। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मान होटल चौक के पास स्थित लुचकी तालाब के किनारे दोपहर एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। कोतवाली पुलिस सूचना मिलते ही पेट्रोलिंग टीम के साथ मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के द्वारा आसपास पता साझी की गई। ऐसी जानकारी मिली कि उक्त युवक लगभग 18 से 19 साल का है और नशे का आदी है, दिमागी रूप से कमजोर भी था। अक्सर राह चलते बाइक सवार लोगों से लिफ्ट मांगता था और लिफ्ट ना देने पर गालियां भी देता था, पर उसके ठिकाने के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल सका। फिलहाल पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह मामला हत्या, आत्महत्या या किसी हादसे से जुड़ा है, इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। कोतवाली पुलिस ने मामले को लेकर कुछ इस तरह से जानकारियां दी। आज दोपहर ये सूचना मिली कि लुचकी तालाब में किसी अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसे वहाँ के आसपास के लोगों के द्वारा बाहर निकाला गया और उसे जो है मर्चुरी में शिफ्ट कराया गया है। बात की के बाद में बाकी जानकारी को बोला। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भूपेश सरकार के खिलाफ हुंकार भरने बड़ी संख्या में महिला मोर्चा कार्यकर्ता बिलासपुर रवाना हुए। महतारी हुंकार में शामिल होने दुर्ग के सभी मंडलों से निकली भाजपा नेताओं की टीम। प्रदेश में लगातार महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ने व शराबबंदी जैसे वादे पूरे नहीं करने वाली भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज बिलासपुर में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली में शामिल होने दुर्ग शहर के सभी मंडलों से महिला मोर्चा की महिलाओं की टीम के साथ साथ भाजपा नेताओं की टोली भी बड़ी संख्या में बिलासपुर के लिए रवाना हुए। भूपेश सरकार 4 साल के कार्यकाल में महिला अत्याचार दुष्कर्मों की घटनाओं में भारी वृद्धि होने व सरकार के संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद होने से प्रदेश की महिलाएं भयभीत हो रही है, और इसका मुख्य कारण अवैध शराब व नशे का कारोबार खुलेआम होना व पुलिस का अपराधों पर कार्यवाही नहीं होना। इन सभी मुद्दों को लेकर भाजपा ने राज्य के न्यायधानी बिलासपुर से भाजपा महिला मोर्चा के आह्वान पर 1 लाख से अधिक महिलाओं का महतारी हुंकार रैली आहूत की गई, जिसमें शामिल होने के लिए सुबह से ही शहर के चंडी शीतला मंडल, गंजपारा सदर मंडल,
सिकोला भाटा पटरी मंडल व कसारी डिबोसी मंडल से बड़ी संख्या में महिलाएं व कार्यकर्ता बसों व विभिन्न वाहनों से बिलासपुर रवाना हुए। लगातार महिला अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं और भूपेश सरकार के राज में लगातार महिलाएं बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं। शराबबंदी का उन्होंने वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। इसके विरोध में आज पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा न्यायधाली बिलासपुर में महातारी ओंकार रैली आयोजित किया गया है और इस रैली में शामिल होने हमारे दुर्ग शहर के चारों मंडल से बड़ी संख्या में महिला बहनें आज बिलासपुर पहुंच रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में चंडी शीतला मंडल द्वारा भी महिला मोर्चा की अध्यक्ष शीतल चांदनी के नेतृत्व में महिला मोर्चा की बहनें बिलासपुर के लिए रवाना हुई हैं और हम सब आज भूपेश सरकार को जगाने आए हैं। महिला बहनें सड़क पर उतरी हैं ताकि भूपेश सरकार चेत जाए, वरना उन्हें 2023 में कुर्सी गंवानी पड़ेगी। इसी विरोध में आज महातारी ओंकार रैली आयोजित करेगी। चंडी शीतला मंडल द्वारा बड़ी संख्या में आज हमारे दुर्ग शहर से चंडी शीतला मंडल द्वारा बड़ी संख्या में सारी महिलाएं बिलासपुर राजधानी पहुंची है और हम न्याय चाहती हैं। न्यायधानी में आज प्रदेश की पूरी महिलाएं सशक्त रूप से अपने विचारों को रखने के लिए, अपने पर होने वाले शोषण और दुष्कृत्य के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरोध में सड़क पर उतरी हैं और ये आने वाले दिनों में हम उनको ये बता देना चाहती हैं कि महिलाओं के ऊपर जो इस तरह से अत्याचार खुलेआम हो रहा है और उसकी बढ़ोतरी हो रही है, इसके विरोध में आज बिलासपुर में सशक्त रूप से महिला जो है सड़क पे उतरी हैं और हम इसका विरोध कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि ये सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। सीनियर गर्ल्स खो खो नेशनल ट्रायल का आयोजन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिषद पाव बारा में छत्तीसगढ़ खो खो अमेच्योर संघ एवं जिला खो खो संघ के मार्ग में किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए प्रदेश के लगभग सभी जिलों के सीनियर गर्ल्स खिलाड़ी 10 नवंबर को पाव बारा गाँव पहुँचे। दुर्ग जिले का पावारा गांव छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के गृह ग्राम के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ अब इस गांव का नाम राष्ट्रीय खेल स्तर पर खो खो खेल के लिए भी अपनी पहचान बना रहा है। 10 नवंबर को सीनियर गर्ल्स खो खो नेशनल ट्रायल का आयोजन यहाँ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला परिसर में किया गया था, जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों से सीनियर गर्ल्स खिलाड़ी पहुंची, जिसमें चयन के बाद बेस्ट 30 खिलाड़ियों को 7 दिवसीय राज्य स्तर खो खो कैंप दिया जाएगा और अंतिम में श्रेष्ठ 15 खिलाड़ियों का चयन छत्तीसगढ़ की टीम के लिए किया जाएगा। आयोजन का शुभारंभ संरक्षक हर्ष साहू ने किया। इस खेल के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर तक जिले की बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह आयोजन जनपद सदस्य राकेश हिरवानी और ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया था। आयोजन के विषय में पवारा गाँव के ग्रामीण व दुर्ग जनपद सदस्य राकेश हिरवानी ने बताया कि और यहाँ के बच्चों ने मेहनत करके, यहाँ के कोच ने मेहनत करके छत्तीसगढ़ तक इस ऊंचाइयों में लेके गए इस गांव का नाम और क्लब का नाम, तो उसका प्रतिफल आज हम लोग को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ अमेच्योर संघ कबड्डी संघ जो है, खो खो संघ जो है, वो हमारे गाँव का चयन किया। और जैसे चयन की खबर मिली हमारे गाँव वाले में उत्सुकता आई और सभी ने बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काफ़ी मेहनत किया, सहयोग दिया। खासकर इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए हमारे संरक्षक जी हर्ष साहू जी का सहयोग रहता है, जो शुरू से क्लब में बच्चों को संसाधन उपलब्ध कराने में और गांव के युवा हैं हमारे साथी, युवा साथी जो किसी न किसी तरीके से आर्थिक सहयोग करके बच्चों को संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, जो आज यहां पे हमारे क्लब का ऊँचाई में लेके जा रहे हैं। और ये जो हमको खबर मिली कि यहाँ पे नेशनल चयन होगा वो भी बालिकाओं को, तो बेटियों को बढ़ाने के उद्देश्य हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमने एक बेटियों को बढ़ाने के उद्देश्य, बेटियों को सिखाने के उद्देश्य ये आयोजन को मैं अभी कैंप में अटेंड करूँगी, कैंप उसमें अपना बेस्ट अभी जो गेम है नॉर्मल उससे बेस्ट अपना 7 दिन दूँगी, उससे अपना गेम और इम्प्रूव करूँगी। और मैं 2 बार इंडिया कैंप चल दी हूँ, इस बार और जाऊँगी और पूरा इंडिया का नाम रोशन करके आऊँगी। कि आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय खो खो टीम, महिला खो खो टीम के लिए सीनियर के लिए आज पौवारा में चयन ट्रायल प्रतियोगिता था, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से हमारे पास लगभग 80 महिला खिलाड़ी आज भाग लिए। उसमें से आज की स्थिति में जो सर्वश्रेष्ठ 30 खिलाड़ी हैं उसको हमने सेलेक्ट किया है
और इनका भी कल से या कहा जाए 17 तारीख तक रोज़ सुबह शाम प्रैक्टिस होगा, कैंप होगा। 17 तारीख को फाइनल टीम बनाएंगे 15 खिलाड़ियों का, और वो जो टीम है अभी जो 54वीं राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता जो उस्मानाबाद महाराष्ट्र में होने वाला है उसमें वो छत्तीसगढ़ टीम का नेतृत्व करेंगे। और हमें विश्वास है कि जो लड़कियां आई हैं अभी यहाँ पे अपने अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ लड़कियों को हमने सेलेक्ट किया है, और जो 15 खिलाड़ी अंतिम 15 में जो आएंगे हमें पूरा विश्वास है कि इस बार छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर के खो खो प्रतियोगिता में करेगी। हम लोग को छत्तीसगढ़ खो खो अमेचर संघ के द्वारा और जिला अमेचर खो खो संघ के द्वारा एक छोटा सा मतलब नेशनल खो खो सेलेक्शन ट्रायल का ऑर्गेनाइजेशन का मौका मिला, जिसको हमारे टीम ने पूरा मिलकर सबके सहयोग से ये आयोजन हम लोग करा पा रहे हैं। किनके लिए हो रहा है और ये विशेष बालिकाओं के लिए, सीनियर बालिका वर्ग के लिए हो रहा है, जो अभी वर्तमान में यहाँ पर 7 दिवसीय कैंप भी लगेगा जो महाराष्ट्र उस्मानाबाद जाएंगे चयन हो गए। मैं यहाँ पर कैंप में रुकी हूँ और मैं आगे खेलने की बहुत कोशिश करूँगी, इंटरनेशनल के लिए भी चांसेस। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से पावारा गांव से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। ओवर स्पीड के कारण सड़क हादसों में सिर्फ दुर्ग जिले में 10 महीनों में 945 सड़क हादसों में 250 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दुर्घटनाओं में 814 लोग घायल हुए हैं। इस 10 महीनों में पुलिस ने 42,000 लोगों पर चालानी कार्रवाई करके 1.40 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। एक बार फिर नए सिरे से सड़क हादसों का सही कारण पता लगाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने बाकी एजेंसियों के साथ मिलकर प्लानिंग की है। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक अभी जो हमारे हाईवेज हो, चाहे नगर निगम की रोड हो, चाहे NH की हो, चाहे PWD की हो, और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री सड़क जो है उसमें अभी तक 945 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 814 लोग घायल हुए हैं और 250 से अधिक लोग की मृत्यु हुई है। और जो ब्लैक स्पॉट 7 ब्लैक स्पॉट है और 36 ग्रे स्पॉट है, उसमें लगातार हम लोग सुधार की कार्रवाई भी कर रहे हैं, जिसमें 5 ब्लैक स्पॉट सुधार जा चुका है और 36 ग्रे स्पॉट है उसमें 13 ग्रे स्पॉट में सुधार की कार्रवाई बचा हुआ है, जिसमें कल मीटिंग भी ली गई है, उनको शीघ्र सुधार करने के लिए बताया जा रहा है। तो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि जो ब्लैक स्पॉट है और ग्रे स्पॉट में सड़क दुर्घटना ना हो, और जो सड़क दुर्घटना होती है तो उसका मूल कारण निकल के सामने आए कि इंजीनियरिंग फॉल्ट था या फिर मैकेनिकल फॉल्ट था या वाहन चालक की गलती से दुर्घटना हुई है, ताकि भविष्य में उस स्थान में दुर्घटना को रोका जा सके। अभी तक जनवरी से अक्टूबर तक हम लोगों ने लगभग 40,000 से अधिक वाहन चालकों का जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, चाहे रेड लाइट जंप हो, शराब पी के वाहन चलाना, चाहे सिग्नल जंप हो, उसमें हम लोगों ने 1,40,00,000 से अधिक समन शुल्क काटा है। और लोगों को हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं कि फाइन काटना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम लोग उद्देश्य व्यवस्था बनाना है। और लोगों से भी अपील है कि नियमों का पालन करें, यदि दोपहिया चला रहे तो हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, मोबाइल से बात करते वाहन न चलाएं, शराब पी के वाहन न चलाएं, तो निश्चित रूप से जो लगातार दुर्घटना के शिकार होते हैं लोग उसको रोका जा सके। अभी जो सड़क दुर्घटना समिति की कल बैठक हुई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि यदि कोई सड़क दुर्घटना में किसी स्पॉट में कोई मृत्यु होती है तो उसमें संबंधित थाना प्रभारी, सब डिवीजन पुलिस अधिकारी और SDM के द्वारा उस क्षेत्र का, उस स्पॉट का निरीक्षण किया जाएगा, और उस ताकि उस स्थान में जाके ये निश्चित किया जा सके कि उसका मूल कारण क्या था, मैकेनिकल फॉल्ट था या फिर चालक की गलती थी, और उसको कैसे भविष्य में रोका जा सके। इसके लिए प्रत्येक दुर्घटना का हम लोग निरीक्षण भी करेंगे, यदि कोई सड़क दुर्घटना में घायल भी होता है तो उस स्पॉट का भी हम लोग निरीक्षण करेंगे, ताकि उसमें भविष्य में उस दुर्घटना को रोका जा सके। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ, खबरें और भी है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुम्मन देव जी को प्रणाम, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर मानव धर्म का भव्य सेवक सम्मेलन उद्देश्य मानव जीवन में भगवत कृपा से अंधश्रद्धा दुष्ट बुद्धि बुरे व्यसन सामाजिक बुराइयां एवं कुप्रथाओं से मुक्ति जाति भेद नष्ट करना भ्रूण हत्या निर्मूलन आपसी लड़ाई झगड़ा गाली गलौज चोरी करना बंद करना परिवार में सत्य मर्यादा प्रेम का पालन करना मानवता पूर्वक आचरण व्यवहार करना। रविवार दिनांक 27 नवंबर 2022 स्थल आरके क्रिकेट मैदान सुपेला थाना के पीछे भिलाई सौजन्य परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर अंतर्गत सेवक सेविका एक छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Barat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार द्वारा कड़े कायदे कानून बनाने के बाद भी औद्योगिक ठेकेदार श्रमिकों का शोषण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के ठेका कंपनी कुसुम इंजीनियरिंग के अंतर्गत वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में दर्जनों श्रमिक काम करते हैं। पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, बोनस के नाम पर 2 साल से केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। इस बात को लेकर सभी श्रमिकों ने सहायक श्रम आयुक्त के पास शिकायत की है। इससे पहले भी शहर के तमाम जनप्रतिनिधियों के पास गुहार लगाई, पर किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। क्या नाम है भैया? आनंद राम। आनंद भैया, क्या समस्या है और समस्या के स्थिति कहाँ कहाँ अपन प्रयास कर रहे हो और घर में क्या स्थिति है? हाँ सर, हम लोग वाटर सप्लाई में काम करते हैं, वहाँ पे पेमेंट भी नहीं होता और ठेकेदार 3-4 महीने में करता है और वो भी करता है तो 2,000-3,000 करता है। और हम लोग आई आर में भी गया, थाना में भी गया, यहाँ श्रम विभाग में भी आया तो, और घर में भी समस्या बहुत सारा है कि छोटे छोटे बच्चे हमारे, तो इतना महंगाई में हम लोग क्या कर सकते हैं। पेमेंट 3-4 महीने में देता है और कहीं से हम लोग भी उधारी भी लाते हैं तो वो भी उधारी देना भी बंद कर दिया है हम लोगों को। क्या तुम लोग झूठ बोलते हो कि पेमेंट मिलेगा तो देंगे देंगे बोलते हैं, तो हम क्या खाएंगे क्या पियेंगे, बस प्लान में काम ही कर रहे हैं सर। और उसके बाद क्या होता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ाते भी हैं तो सर भी बोलते हैं कि तुम लोग बच्चे को पढ़ाने के लिए ला ले तो फीस नहीं दे रहे हो, अपने बच्चे को स्कूल से हटा दो फिर दूसरे में ले जाओ, ऐसे ऐसे समस्या है सर। हम लोग क्या करें अब आप ही बताइए।
अपना नाम बताएंगे? गुमान सिंह। बता, देख के बताना। गुमान सिंह। क्या काम करते हैं? सर वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कम से कम 10 से 15 सालों से वहाँ हम लोग काम कर रहे हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है सर, हम लोग जब से वो नया ठेकेदार आया है कुसुम इंजीनियरिंग के नाम से, जो 3-4 सालों से ठेका ले जो काम कर रहा है, समय पे पेमेंट नहीं देता, नितन वेतन मान नहीं देता, और अभी तक पिछले 2 साल से बोनस नहीं मिला है। जिसकी वजह से कभी बात किए ठेकेदार से? हम लोग ठेकेदार से बात किए हैं, वहाँ से जेएम साहब हैं, दत्ता साहब हैं, पटनायक साहब है, हाउस साहब है, सबसे बात किए, सब तो आवेदन आवेदन सबको लगा चुके हैं। यहाँ तक हम लोग लेबर कमिश्नर दुर्ग में भी इसके बारे में कंप्लेंट डाले हैं सर, मगर अभी तक बोनस वोनस का भुगतान नहीं हुआ। आईआर में भी इसकी कंप्लेंट किया है, और यहाँ तक बोनस और पेमेंट संबंधित भट्टी थाना में भी आवेदन डाले हैं, और देवेंद्र यादव विधायक के पास भी हम लोग अपनी समस्या लेके गए हैं, वहाँ भी आवेदन डाले हैं, फिर भी हमारे समस्या का कोई हल नहीं हो पाया अभी तक। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। 4 साल के इंतजार के बाद आखिरकार दुर्ग जिले के भिलाई इस्पात शासकीय चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने 150 सीटों की मान्यता दे दी है। इन सीटों में एडमिशन साल 2022-23 के सत्र के लिए चल रही काउंसिलिंग के तहत ही होंगे। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार पात्र हूँ, यहाँ अधिष्ठाता रूप में चंदूलाल चंद्राकर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कार्यरत हूँ। हमारे मेडिकल कॉलेज चंदूलाल को कल 9 तारीख को भारत सरकार से जो NMC है उससे हमारे 150 छात्र के एडमिशन के लिए अनुमति प्राप्त है। वर्तमान में हमारा अस्पताल जो है शासन द्वारा 3 सितंबर 2021 को अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि ये पूर्व में प्राइवेट मैनेजमेंट का अंदर संचालित था, और वर्तमान में हमारा OPD यहाँ संचालित है, और हम अति शीघ्र जो है इंडोर और कैजुअल्टी सर्विसेज वगैरह संचालित करेंगे। हमारे पास फाइनल ईयर की छात्र हैं और इंटर्न्स पूरा बैच एक है, उनकी ट्रेनिंग जो है, जो क्योंकि हॉस्पिटल की आवश्यकता रहता है, उसके लिए शासन ने जिला अस्पताल दुर्ग को हमारे साथ संलग्नकरण किया है। तो हमारी जो वर्तमान में इंटर्न्स एवं फाइनल ईयर की छात्र जो है वहीं ट्रेनिंग कार्य संचालित है, और हमारी यहाँ जैसे बाकी मेडिकल कॉलेज में है सभी सुविधा आगामी समय से फेज वाइज मैनर से संचालित हो जाएंगे। मतलब संपूर्ण विभाग जैसे मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, ऑर्थोपेडिक्स, पेडियाट्रिक सभी में भर्ती और ऑपरेशंस वगैरह निशुल्क शासन की, जैसे छत्तीसगढ़ शासन की जो भी नियमानुसार सभी चीज़ें निशुल्क रहेंगी, और यहाँ सभी सुविधा निशुल्क और सभी सुविधा अतिशीघ्र प्रारंभ कर दी। शहर में एक बार फिर से उठाईगिरी की घटना हुई, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है। शहर में लगातार उठाईगिरी की घटना का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। अभी दुर्ग मोहन नगर में हुए 2,70,000 का मामला सुलझाई नहीं था कि एक और उठाईगिरी की घटना हो गई है। मामला पदुम नगर भिलाई 3 स्थित भारतीय स्टेट बैंक का है, जहाँ बाइक की डिक्की से 1,50,000 रुपए पार हो गए। दिन दहाड़े उठाईगिरी की सूचना के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। मौके पर CSP व भिलाई नगर थाना प्रभारी पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। फिलहाल बैंक में लगे CCTV फुटेज अभी खंगाले जा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। पूरे भारत को कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को जोड़ते हुए उन्हें आत्महत्या करने से रोकने का बड़ा आधार्मिक एकता ट्रस्ट ने उठाया है। इनके सदस्यों द्वारा देश में ऐसे लोगों से संपर्क किया जाता है जो कर्ज से दबे हुए हैं, उन लोगों को जीने की राह दिखाई है। यही नहीं, राजनीतिक प्रशिक्षक एवं बिजनेस कोच शाहनवाज चौधरी भारतीय के द्वारा कर्ज से मुक्ति पाने के लिए दुर्ग में 20 तरीकों की ट्रेनिंग निशुल्क दी जा रही है। जी,
देखिए बिहार में भी जो आत्महत्या हुआ वो भी कहीं ना कहीं कर्ज की वजह से ही ऐसा हुआ है, क्योंकि उसने सुसाइड नोट लिखा कि साहूकार जो महाजन थे वहाँ के, उन्होंने इतना टॉर्चर किया उसको कि वो सुसाइड कर लिए और वो पूरे परिवार सहित की है। और ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है, ऐसे लाखों ऐसे केस हैं जो महाजन या फिर जो NBFC है, जो बैंकिंग सेक्टर से जो लोग हैं, जो एजेंट हैं, वो इतना टॉर्चर कर रहे हैं लोगों को, मेंटली इतना परेशान कर रहे हैं कि वो लोग एट लास्ट स्थिति उनकी ये हो रही है कि सुसाइड कर ले रहे हैं। पहले तो वो लोग खुद सुसाइड कर रहे थे, लेकिन ये देखा गया कि जब वो लोग खुद सुसाइड कर रहे हैं तो मेंटली टॉर्चर उनके परिवार वालों तक किया जा रहा है, उनके बीवी बच्चों तक को परिवार टॉर्चर किया जा रहा है। तो लोगों ने ये भी समाधान निकालने लग गए लोग कि खुद सुसाइड करने के बजाय पूरे परिवार के साथ मिलकर सुसाइड कर लेंगे। और एक चीज और बिहार के केस से ये समझ में आया कि लोग सोच लीजिए कि कितने मासूम हैं, आज कर्ज से परेशान जरूर हैं, लेकिन वो दूसरे को टॉर्चर नहीं करना चाहते हैं। जो वो व्यक्ति था, वो व्यक्ति किराए के मकान में रहता था और वो व्यक्ति उस किराए के मकान में सुसाइड नहीं किया अपने परिवार को लेके, वहाँ से दूर जाकर उसने सुसाइड किया ताकि जो वहाँ का जो मकान मालिक है उस मकान मालिक तक भी आँच ना आए। तो ऐसे भारत देश के लोग हैं। तो हम चाहते हैं कम से कम ये लोगों को कर्ज की दलदल से बचाया जाए, सरकार कम से कम इनकी बात सुने और केवल इनका कर्जा माफ़ करे या फिर 2 साल का समय दिया जाए ये लोग को, जो कि इंटरेस्ट फ्री और पेनल्टी फ्री हो। और जितने भी ऐसे NBFC कंपनियां हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोग हैं, जो लोग कर्जा देने का काम करते हैं, वो लोग कम से कम जो इंटरेस्ट रेट है RBI की गाइडलाइन के हिसाब से, वो इंटरेस्ट रेट फॉलो करे, और जो नहीं फॉलो कर रहा है उनको बैन लगाया जाए और जो पैसा एक्स्ट्रा वसूला गया है वो वापस जनता को दिया जाए। इन दिनों दुर्ग पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई करती नजर आ रही है, पहले सट्टा कारोबारियों के खिलाफ, फिर अवैध आहाता कारोबारियों के खिलाफ, और अब शहर के बड़े कबाड़ी कारोबारी के खिलाफ दुर्ग कोतवाली थाने ने कार्रवाई की। दुर्ग CSP वैभव बैंकर के निर्देश पर दुर्ग कोतवाली ने शहर के बड़े कबाड़ी कारोबारी पर कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास गंजपारा दुर्ग में चोरी का सामान होने की सूचना मिली। 2 आरोपियों को वाहन पर चोरी का लोहा, पुरानी सीढ़ी, लोहे के रेलवे का स्प्रिंग, लोहे का स्पार्क एवं अन्य लोहे की सामान जिसकी कीमत 3,02,000 रुपये के साथ वाहन को जब्त किया गया। गिरफ्त में आए आरोपियों ने बताया कि वाहन एवं वाहन में लोड लोहे का सामान नादिम कबाड़ी का है। आपको बता दें कि नादिम कबाड़ी दुर्ग शहर का सबसे बड़ा कबाड़ी कारोबारी में से एक है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। फिलहाल नादिम कबाड़ी फरार है और दुर्ग कोतवाली प्रभारी ने कहा कि नादिम बहुत ही जल्द गिरफ्त में होगा। पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की है कबाड़ी कारोबारी के खिलाफ, विस्तार से पूरी जानकारी दीजिएगा जी। 10 तारीख को हमें दुर्ग कोतवाली थाने को ये सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि कोई एक गाड़ी जो है वो गंजपारा दुर्ग साइड से कुछ चोरी का सामान जो है वो लेकर चल रही है। उस पर दबिश देकर हमने जो दुर्ग कोतवाली की जो टीम थी उसने पकड़ी ये गाड़ी को, और गाड़ी में कुछ लोहे का सामान जो चोरी का सामान था एवं रेलवे का कुछ चोरी का सामान था वो पाया गया था। वो सामान के आधार पर जो उसकी सामान की जुमला कीमत 3,02,000 रुपये की जा रही है उसके बेसिस पर कार्रवाई की गई। और कार्रवाई के बाद ये मालूम पता चला हमें कि ये जो गाड़ी जो है वो नदीम कबाड़ी जो है यहाँ पर उसकी हो सकती है, उसकी है। उसके बाद अभी जो है नदीम कबाड़ी जो है वो फरार है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। अभी तकरीबन कितने आरोपी सर गिरफ्त में? अभी इसमें सारे जो आरोपी हैं वो 2 आरोपी है टोटल, और उसमें दोनों की अभी जांच जारी है उसमें। तो सर कहा जा सकता है कि मुख्य रूप से ये जो माल है वो नदीम कबाड़ी का है? जी उन्हीं का है। तो सर आगे अभी नदीम कबाड़ी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस का क्या मास्टर प्लान है? जी बिल्कुल, उनके जो घर है और उनके जो कबाड़ी सेंटर है वहाँ पर लगातार पुलिस की चेकिंग जारी है, और बाकी उनको बाकी सारी जगह से भी ट्रेस किया जा रहा है जहाँ जहाँ से पॉसिबिलिटी है, और जल्दी हम उसे पकड़ेंगे। नदीम कबाड़ी जो है सर बड़ा कारोबारी है कबाड़ी का दुर्ग शहर का, तो आने वाले समय पे बाकी जो कारोबारी है उन पे भी दबिश देने जा रही दुर्ग पुलिस? जी डेफिनेटली, अगर कहीं पर भी ऐसे कबाड़ी जो है जो चोरी के माल में डीलिंग कर रहे होंगे तो डेफिनेटली उन पर सीधा कार्रवाई हो जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। SR हॉस्पिटल अपने बेहतर इलाज और बेहतर सुविधाओं के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसी कड़ी में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक सभी वर्गों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां काफी संख्या में लोग इस शिविर का लाभ उठा रहे हैं। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर से 15 नवंबर तक SR हॉस्पिटल चिखली के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए
निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ वासियों के लिए विभिन्न तरह की सुविधाएं हॉस्पिटल द्वारा प्रदान की जा रही है, जिसमें किसी भी तरह की जाँच, कम पैसों में नॉर्मल डिलीवरी 2000 और सीजेरियन डिलीवरी मात्र 5000 में की जा रही है। इसके साथ विभिन्न तरह की जांच में भी विशेष छूट दी गई है। वहीं शिविर को लेकर हॉस्पिटल के डॉक्टर विजय गावंडे ने ग्रैंड न्यूज को विस्तार से जानकारियां दी। मैं विजय गावंडे, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, आप सबों का अभिवादन करता हूँ। और आज इस माध्यम से मैं आपको बहुत खुशी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमारे अस्पताल में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक निःशुल्क या कम से कम शुल्क में ऑपरेशन शिविर का आयोजित किया गया है, जिसमें सोनोग्राफी जांच 99 रुपीज़ में होगी, एक्सरे 49 रुपीज़ में, कलर डॉपलर जांच 149 रुपये में, इसी तरह से ब्लड टेस्ट और दवाइयों में 30% और 10% की छूट दी जाएगी। हमारे यहाँ डिलीवरी के ऑपरेशंस जो नॉर्मल डिलीवरी है वो 2000 रुपये में किए जाएंगे, सिजेरियन डिलीवरी 5000 और बच्चेदानी का ऑपरेशन 9000 रुपये में किया जाएगा। ये 15 तारीख तक आपको ये सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। जनरल सर्जरी में आपके हाइड्रोसिल का ऑपरेशन 2000 रुपये और नसबंदी का ऑपरेशन 1000 रुपये में किया जाएगा। इसी तरह से मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी 2000 रुपये में हमारे यहाँ 15 तारीख तक किया जाएगा। सो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में आप जिसको भी इन चीज़ों की ज़रूरत है आए और इस सुविधाओं का लाभ उठाए। हमारे यहाँ जब ये ऑपरेशन के लिए आप भर्ती होते हैं तो दवाइयाँ, खून पेशाब जांच और ब्लड जांच का पैसा अलग से लगेगा। सभी ऑपरेशन हेतु 24 घंटे पूर्व रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है और सभी ऑपरेशन रजिस्ट्रेशन के 24 घंटे पश्चात किए जाएंगे। फिर से एक बार मैं दुर्ग, भिलाई तथा छत्तीसगढ़ से पूरी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आप आएँ और इस योजना का लाभ उठाएं। छत्तीसगढ़ की सेवा में SR हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर हमेशा हमेशा के लिए तैयार है। धन्यवाद। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक लगने वाले शिविर को लेकर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने छत्तीसगढ़ वासियों से अपील की है कि वे स्वास्थ्य शिविर में पहुंचें और इसका लाभ अवश्य लें। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ SR हॉस्पिटल दुर्ग चिखली में कार्यरत हूँ। अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत हम जन समुदाय को कम से कम दरों में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, LSCS के द्वारा प्रसव, बच्चेदानी का ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा सिर्फ 2000 रुपये में, LSCS के द्वारा डिलीवरी की सुविधा सिर्फ 5000 रुपये में, नसबंदी का ऑपरेशन सिर्फ 1000 रुपये में करने का निश्चय किया गया है। हम यह कार्य जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह भेंट के स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।